नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सितेश चौहान और मेरा YouTube चैनल सिविल वर्क में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों आज बात करते हैं कॉलम का शटरिंग कैसे करते हैं और कॉलम का शटरिंग करने में कौन से स्टेप यूज किया जाता है। आज इस वीडियो में कॉलम का शटरिंग करने में जो भी प्रोसेस होता है आप लोगों को फुल जानकारी मिलने वाली है। जो भी लोगों को अगर कॉलम का शटरिंग करना नहीं आता है तो इस वीडियो में आप देखेंगे तो 100% आप लोगों को कॉलम का शटरिंग कैसे होता है आप लोगों को पूरा जानकारी मिल जाएगा। ठीक है, तो बात करते हैं कॉलम का शटरिंग स्टार्ट करने से पहले। कॉलम का शटरिंग स्टार्ट करने से पहले स्टार्टर कास्टिंग करना होता है। अब बहुत से लोगों को मालूम नहीं होगा कि कॉलम का स्टार्टर कास्टिंग क्या होता है। दोस्तों बात करते हैं स्टार्टर कास्टिंग के बारे में। तो जो भी आप लोगों का साइज होता है कॉलम का, जैसे मैं 9x9 का कॉलम है गया, जैसे 9x20 का कॉलम है गया, जो भी आपका कॉलम का साइज हो उस कॉलम के साइज के अनुसार 4 से 5 इंच का कंक्रीट होता है। कंक्रीट होने के बाद जैसे अब स्टार्टर कास्टिंग से क्या हम लोग को फायदा होने वाला है, स्टार्टर कास्टिंग क्यों किया जाता है। जैसे मैं कॉलम का शटरिंग बोर्ड लगाने से हम लोग का एक्यूरेट कॉलम शेप में होता है। ठीक है, और कॉलम का जो ओलंबा होता है पोलम्ब वो करने में बहुत आसानी होता है। ठीक है दोस्तों, अगर कॉलम का स्टार्टर कास्टिंग अच्छा रहेगा तो जो आप शटरिंग बोर्ड लगाएंगे वो इधर उधर नहीं होगा, एकदम एक्यूरेट साइड में होगा। ठीक है, उसका बेस सेम में हो गया तो आपका एक जो पोलम्ब होगा, जो साहुल होगा, बनाना बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, तो शटरिंग लगाने से पहले स्पंज, जिसको फोम आप लोग बोलते हैं, उसको भी यूज करना चाहिए। क्योंकि जब भी आप लोग कंक्रीट करते हैं तो उसका जो सिलरी बाहर नहीं निकलता है। और एक बात ये भी ध्यान देना है, शटरिंग पे शटरिंग ऑयल लगाना बहुत ज़रूरी होता है। अब शटरिंग ऑयल क्यों लगाया जाता है? ठीक है, ऑयल इसलिए लगाया जाता है शटरिंग में, शटरिंग ऑयल लगाने से कंक्रीट का जो बोर्ड में कंक्रीट नहीं चिपकता है। ठीक है, कॉलम का फिनिशिंग अच्छा होता है और ऑयल लगाने से डिसटरिंग बहुत आसानी से हो जाता है। ठीक है, तो टोटली यहाँ पे कितना बोर्ड लगता है? 4 बोर्ड लगता है। चारों बोर्डों को नेल से जॉइंट करना है क्योंकि बोर्ड इधर उधर नहीं जाएगा। बोर्ड को कैसे लगाया जाता है? ठीक है, तो बोर्ड को कैसे लगाएं, आपको जो है भी सेम में बोर्ड को बनाना है। भी से में बोर्ड को बनाकर बोर्ड को लगाना होता है। जैसे बोर्ड को लगाते समय सेफ्टी का भी ध्यान देना होता है, किसी को भी चोट नहीं लगाना चाहिए, किसी के ऊपर गिरना नहीं चाहिए। दोनों साइड में काफ़ी जो है कि दोनों साइड का काटी मार के बेंडिंग वायर से क्या करना चाहिए, बांध देना चाहिए। ठीक है, कॉलम के साइज के हिसाब से एंगल लेना चाहिए। एंगल लेकर और एंगल में जो होल होता है उसमें क्या करना है, टाई रॉड बांधकर हम लोग क्या करते हैं, दो साइड का पहले टाइट करते हैं। अब कुछ लोग क्या करते हैं कि जो है कि पाइप का भी इस्तेमाल करते हैं, पाइप और जो कलम का इस्तेमाल करते हैं, और कुछ लोग बहुत से मतलब अलग अलग जो है कि जो लोग तरकीब यूज करते हैं और अलग अलग तरीक़ा से करते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, जो टाई रॉड से टाइट कर देते हैं चारों तरफ से जो है कि एंगल लगा के, और टाई रॉड से क्या करते हैं, टाइट कर देते हैं। इतना काम करने के बाद चारों साइड से सपोर्ट लगाते हैं। सपोर्ट लगाते समय एक बात और ध्यान देना चाहिए, जैसे मैं जो भी आप सपोर्ट लगाते हैं कॉलम का तो उसका जो है 90 डिग्री में होना चाहिए। ठीक है, जो भी साहुल चेक करके सपोर्ट लगाना चाहिए। ठीक है, कॉलम पर चेक करके सपोर्ट को लगाना चाहिए। अगर ये
वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा और वीडियो को पसंद आया आपको, तो अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए। इससे क्या होगा कि सिविल इंजीनियर सितेश चौहान जब भी कोई नया वीडियो डालेगा तो आप लोगों को सबसे पहले नोटिफिकेशन जाएगा।